अगर आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में लोग कहते हैं बहुत सस्ते सस्ते ज्वेलरीज मिलते हैं, बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलते हैं, बहुत सस्ती मार्केट है, हर मार्केट सस्ती है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप सही हैं, बट उतने सही नहीं हैं जितना आप अपने माइंड में सोच के जाते हो कि दिल्ली की मार्केट बहुत सस्ती है, ज्वेलरीज बहुत कम रेट्स में मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये बात सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। जब आप जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है दिल्ली की, चाहे वो सरोजनी नगर हो, चाहे वो जनपथ मार्केट हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, दिल्ली की कोई भी मार्केट। तो चलिए, आज की वीडियो कुछ इसी प्रकार की है। साड़ी लहंगे खरीदने हम जाते हैं, ज्वेलरीज भी खरीदने जाते हैं, कपड़े भी खरीदने जाते हैं, तो उन्हीं छोटे छोटे मार्केट्स में से मैंने थोड़े 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 ज्वेलरीज़ को मैंने उठाया हुआ है, मतलब मैंने थोड़े बहुत ज्वेलरीज़ मैंने परचेस कर लिए हैं। चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए स्टाइल मी गर्ल, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, मैं सरोजनी नगर से मैंने ये क्यूट सा हेयर बैंड मैं लेकर आई हूँ। इसकी प्राइस आई थिंक थी 50 रुपीज़। मैंने उनसे कम कराया बट वो मान नहीं रहे थे। इसे आप लगा के मेकअप कर सकते हो, अपना कुछ भी स्किन केयर कर सकते हो, मेकअप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इट्स लाइक वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। तो ये मैंने सरोजनी नगर से लिया। फर्स्ट दिस इज़ द कैप जो मैं अपनी बच्ची के लिए ली थी। कहाँ से ली थी मैं, ये मान ली थी लाजपत नगर से, 50 रुपीज़ में, 100 में 2 पीस। ओके, इयररिंग इट्स लाइक 100 रुपीज़ की है ये। ये मैंने लाजपत नगर से मैंने इसे परचेस मैंने किया हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, इसलिए जब से मैं दिल्ली से आई हूँ मैं ज्वेलरी यूज़ नहीं करी हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोग को दिखाने के बाद ही मैं इसे यूज़ करूँगी रियली, क्योंकि आप लोग मेरी पहली प्रायोरिटी हो। अगर मैं कुछ भी ख़रीदी हूँ तो आप लोग के साथ मुझे शेयर करना बनता है। तो दिस इज़ माई परचेस। वहाँ पे बहुत अलग अलग रेट्स की मिलती हैं। मैं सोच के जाती हूँ हर बार कि मैं बहुत सारे लूँगी, बट रेट्स वो ऐसे लिख लिख के रखते हैं ना कि इट्स नॉट क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आप उनसे बार्गेन कराओगे ना तो कहें वो, मतलब आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। मतलब 270 रुपीज़, 300 की चीज़ मैं इसमें क्यों लूँगी? और वो लोग कम नहीं करते, चाहे आप जितनी भी परचेसिंग आप कर लो वो लोग कम नहीं करते। आई थिंक उनके दिमाग में क्या चलता है लोगों को लेकर, आई रियली डोंट नो, बट वो कम नहीं करते। तो चलिए इसकी मैं बात करती हूँ। बहुत प्यारी ये मुझे इयररिंग लगी, 100 रुपीज़ की। इट्स वेरी क्यूट, वेरी क्यूट एंड अफोर्डेबल इयररिंग्स। अगर आप कान पे पहनोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। इस साड़ी पे भी ये इयररिंग बहुत अच्छी जाएगी। साड़ी हो, सूट हो, कुछ भी हो। दिस इज माई फर्स्ट परचेस इन लाजपत नगर। दिस इज द मेन प्रोडक्ट। मैं आपको दिखाती हूँ इसे ओपन कर करके और अपने हैंड्स पे लगा के। मैंने बहुत सारे इयररिंग्स वहाँ पे बहुत सारी आपको रिंग्स मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रिंग। दिस इज द रिंग फर्स्ट। इसकी प्राइस आई थिंक थी 50 रुपीज़। दिस इज वेरी क्यूट वन, वेरी क्यूट। दिस इज ऑल्सो 50 रुपीज़। ओके, दिस द रिंग। बहुत प्यारी रिंग्स वहाँ पे मिलती है। जब भी आप जाओगे ना आपका बहुत सारा मन करेगा आपको लेने का। एंड दिस इज द 100 रुपीज़ रिंग। इट्स डायमंड
अमेरिकन डायमंड, इट्स लाइक दिस, बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स है। ये भी मुझे मिली थी 50 रुपीज़ में, मैंने इसे लिया था। ये मैं इस उंगली में पहन के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी मेरे हैंड्स पे लग रही है। तो 3 4 4 रिंग्स मैंने लिया है लाजपत नगर से। एक्चुअली वहाँ पे बहुत भीड़ थी इस रिंग्स के शॉप पे ना, लड़कियों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में से जाके इतने सारे प्रोडक्ट्स लेना, इट्स वेरी टफ, रियली बहुत टफ था। बट मुझे लेना था क्योंकि रिंग्स बनारस में, रिंग्स मतलब ऐसी मार्केट है ही नहीं बनारस में जिसे मैं ले पाऊँ। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी ये रिंग्स है। डोंट सी दिस, सी दिस, बहुत प्यारी रिंग्स है। आई लव दिस ऑल। सब 50s and 100 rupees में आपको बहुत सारी रिंग्स आपको मिल जाएंगी। अलग अलग प्राइसेस थी रिंग्स की, वो ऐसा बता रहे थे कि हर एक रिंग की अलग प्राइस है। तो मैंने 350 or 400 के अंदर मैंने इतनी सारी रिंग्स मैंने ले ली। उसके बाद मैंने उसी शॉप से मैंने ये क्लचर लिया। आई थिंक ये 100 rupees का था या 50 rupees का था। तो मुझे ये काफ़ी, यस, तो आप लोग मुझे बताओ कि मेरे ऊपर कौन सा लुक ज़्यादा सूट कर रहा है, दिस लुक या ओपन हेयर। मुझे लगता है ये वाली लुक ज़्यादा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नोज पिन लिया था लाजपत नगर से, जो बाहर वहाँ पे लोग लगाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, मैंने उस स्टॉल पे मैं खड़ी थी, तो मैंने ये 50 rupees का मैंने ये लिया है। बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, पता कर पाना मतलब चूज़ करना बहुत टफ था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत हल्का है। ओके, इट्स लाइक वेरी प्रिटी। 50 rupees में ये मुझे मिली थी, कि मैंने लिया था सरोजनी नगर से। मुझे लगता है 30 rupees or 50 rupees का मैंने ये स्टड मैंने ये लिया है। बहुत प्यारी इयररिंग है ये, आप किसी पे भी आपके चल जाएगा। आई थिंक इस साड़ी पे भी मेरे चल जाएगा, जीन्स पे भी आप इसे कैरी कर सकते हो, और इसे आप सूट पे भी आप इसे कैरी कर सकते हो। सरोजनी नगर, सॉरी लाजपत नगर से ही लिया था मैंने ये 30 rupees का या 20 rupees का। बहुत प्यारा है, घूम घूम के भी आपको ये सारी इयररिंग्स, आपको इस तरह की क्यूट सी इयररिंग्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग घूम घूम के भी सेल आउट करते रहते हैं। तो ये कॉम्बो मैं ली थी, आई थिंक सरोजनी नगर से ली थी। तो 20 or 50 rupees का ये दे रहे थे, तो मैंने ये ख़रीद लिया। एंड ये मैंने लिया है सरोजनी नगर से, यस, नो जनपद मार्केट से मैंने इसे लिया हुआ है, यस, बहुत प्यारी है ये, किसी पे भी सूट पे भी चल जाएगा। ये आपको लुक देगा एज अ कड़ा, तो सूट वूट पे, एथनिक वेयर पे बहुत प्यारा ये लगता है। मैंने इसे लिया है, परचेस किया है। इसके साथ मैंने सरोजनी नगर से लिया हुआ है रिंग्स, यस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी ज्वेलरी मेरी अच्छी लगी और कौन सी ख़राब लगी। अभी बहुत सारी ज्वेलरीज बाकी है। बहुत प्यारी ईयर रिंग है, ये मुझे मिली थी 100 rupees की। एंड
ये मैंने लिया था इयरिंग सरोजनी नगर से, मैं इससे आपको वेयर करके दिखाती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये मेरे पे इस साड़ी पे सूट कर रहा है या नहीं। ओह माय गॉड, व्हाट झुमका, लुक कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो ये हो गई इयररिंग्स की, ये मुझे लगता है ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया था। यस, ये 50 रुपीज़ में मैंने लिया था। ये बहुत हल्की है एक्चुअली, ऑक्सीडाइज इयररिंग बहुत हल्की है। ये मैं ली थी लाजपत नगर से। यस, ये मैं लाजपत नगर से ली हूँ। एंड ये मैं अपने, ओ माय गॉड, ये मैं अपने बेबी के लिए ली थी 30 रुपीज़ में, जहाँ से मैंने ये कॉम्ब लिया हुआ है। तो वहाँ पे वो रखे हुए थे, तो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने इसे ले ली, बहुत क्यूट। अब आते हैं जनपद मार्केट में, अच्छी अच्छी शॉपिंग की है। ये देखिए ये इयररिंग, बहुत अच्छी इयररिंग्स है। 100 में 2, 50 में 1, 100 में 2। ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ओपन नहीं किया ना अभी तक, मैं पहनी हूँ। हाँ, बस मैं आगरा गई थी तो मैंने ये वाली इयररिंग पहनी है। अगर मेरी आगरा की अगर आप फोटो, इयररिंग्स है ये एथनिक वेयर पे और साड़ी पे, अगर उस टाइप की साड़ी है बहुत अच्छी लगेगी। 1 एंड दिस इज 2, ये भी मैंने लिया है 100 में। बहुत प्यारी इयररिंग्स हैं। मैं किसी वीडियोस में, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ इसे मैं शेयर करूंगी वेयर करके। फेवरेट है। मैंने एक्चुअली, मैं ये कड़ा मैं ऑनलाइन में बहुत देखती थी, बट थोड़े कॉस्टली होते थे इसलिए मैं ले नहीं पाती थी। तो ये मुझे मिली थी 150 रुपीज़ में, वो कम नहीं कर रहे थे। सुबह के टाइम अगर आप जाओगे ना जनपद मार्केट या किसी भी मार्केट में अगर आप जाओगे, अगर आपको बार्गेन कराना है तो वो लोग शुरू के टाइम में वो आपको दे देंगे किसी भी प्राइस में, क्योंकि उनको बहुत नहीं कराना रहता है। ओके, देख सकते हो व्हाट लुकिंग। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द ज्वेलरी। यस, ये मैंने जनपद मार्केट से ली है। चलिए मैं इसे ना वेयर करके दिखाती हूँ आपको। तो दिस इज द शो स्टॉपर, इसलिए मैं इसे लास्ट में आपको पहन के दिखा रही हूँ। कैसी लगी मेरी ये, मुझे मिली थी 100 रुपीज़ में, 100 और 150 इसी रेंज में मुझे मिली थी ये। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये आप नेकलेस आप किसी भी साड़ी पे पहन सकते हो, वाइट ब्लैक, वाइट, यस वाइट पे बहुत अच्छी लुक आएगी ये। वाइट ब्लैक रेड, जितने भी कलर्स हैं इसमें मल्टी कलर, कोई भी साड़ी आप इसे कैरी करके इसे वेयर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी लुक दे रही है। आई एम ग्लैड कि मैंने इसे परचेस किया, पता नहीं क्या सोच के। तो आई एम वेरी हैप्पी, फर्स्ट टाइम मैंने इसे वेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो चलिए
यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को आपको मिलेगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।